नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद्या में। चलिए तो जैसा कि हमारा रोज चलता है आपका 1 बजे बाल विकास, जो प्रीवियस ईयर वगैरह पढ़ रहे हैं हम उसको चालू कर रहे हैं। आज का जो पेपर रहेगा आपका 12 जनवरी 2023 का, जो सीटेट द्वारा पूछा गया है, उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, इसको शानदार तरीके से देखना है और सभी को अपने नंबर कमेंट में जरूर बताना है कि आपके 30 में से कितने हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, इतना हो गया। इसके पहले आपको बता दिया जाए, ये आपका जो ऑफर वगैरह है, ठीक है, ये 49 रुपए में पीडीएफ अभी सिर्फ कितना का मिल रहा आपको, 49 रुपए में मिल रहा। इसमें क्या मिलने वाले हैं आपको, तो 800 क्वेश्चन रहेंगे, पूरी थ्योरी रहेगी, वो भी डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आप लोग परचेस कर लें, और साथ में इसमें मैं खुद से वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें लगभग 12 वीडियो रहेंगे आपके मैराथन टाइम में, 12 घंटे की क्लास इसमें आपको फ्री मिलने वाली है, वो भी 49 में। ये समझ लो आपको ये ऑफर है, ये पूरा कोर्स मिल रहा है ईबीएस का आपको 49 में। ठीक है, इसके और साथ में पूरा डिटेल के साथ समझाया जाएगा पूरी थ्योरी को, साथ में क्वेश्चन वगैरह भी आपको डिटेल के साथ समझाए जाएंगे। तो इससे पहले कि ऑफर कब तक है, 10 तारीख के पहले पहले, 10 तारीख के पहले पहले अगर आपने इसको परचेस कर लिया तब तो आपको 49 का मिलेगा, उसके बाद आपको 99 का होने वाला है। फिर मत बोलना कि ये पैसे क्यों बढ़ा दिए सर। ठीक है, उसके पहले आप लोग परचेस कर लें। इसके अलावा आपको ये टेस्ट वगैरह 99 रुपए में, आपको 130 प्लस नंबर बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये भी आपको मिलने वाला है। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले आपका बाल विकास का। ठीक है, कल क्या है, थोड़ा आपका क्लास, आपके कमेंट पढ़े थे मैंने। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे सर आपने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, तो थोड़ा कल के लिए सॉरी। ठीक है, जो आपको जल्दी पढ़ाया तो आपके लिए समझ में नहीं आया, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। आज हम आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आ गया, बिल्कुल शानदार। चलो साथ में आंसर देते चलना आपको, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। देखो विकास, तो हमने बताया था विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कोई बताएगा, विकास क्या है, तो हमने बताया था गुणात्मक परिवर्तन है। पहली बात तो क्या याद रखना, ये कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन है, ये हमें दिखता नहीं है। इसमें क्या होगा आपका, शारीरिक वृद्धि भी होती है, साथ में आपका जो क्या होता है, शारीरिक वृद्धि हो गया आपका, साथ में आपकी जैसे होता ना हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है, पहले हमें छोटा बड़ा नहीं आते, सीख जाते हैं, फिर हम किताब पढ़ने लगते हैं, हमारा विकास होता है। और विकास कहाँ से चलता है आपका, गर्भावस्था से, याद रखना, गर्भावस्था से चलता रहता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाए, तो ये होता है। तो इसमें विकास के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं कि आपका विकास का, विभिन्नता का सिद्धांत, हर बच्चे में अलग अलग विकास होता है। ठीक है, उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, बच्चा पहले एक चीज पकड़ता है, उसके बाद क्रम से चलता है, गतिशील होता है। तो इसमें बताना आपको विकास क्या है, कोई बताएगा, अनिरंतर प्रक्रिया है, ये गलत होगा क्योंकि ये कैसा निरंतर है, अनिरंतर नहीं होता है। ठीक है, क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, याद रखना, क्रम से चलता है, पहले बच्चा क्या करता है, सिर पर नियंत्रण करेगा, फिर हाथ पर नियंत्रण करता है, फिर पैरों पर। ठीक है, और व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास क्या होता है, विकास व्यक्तिगत कारक से भी प्रभावित होता है और साथ में आपका पर्यावरण, अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा तो उसका विकास होगा, स्वास्थ्य हो गया, उसका मानसिक विकास होगा, तो ये तो गलत है क्योंकि ये दोनों प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं होता है, तो यह भी गलत है क्योंकि दोनों से होता है, विकास पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल शानदार, सभी ने एकदम शानदार आंसर दिया है। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में सभी को, बिल्कुल। अब आप लोग इसका आंसर बताएं, तो ये कब का पेपर है आपका, 12 जनवरी का, याद रखना, 12 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, 12 जनवरी 2023 सीटेट ने ऑनलाइन लिया था। ठीक है, तो वो पेपर है, चलो हो गया, इसका आंसर बताएं आप लोग। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा है, वातावरणीय दो होते, एक तो वंशानुक्रम होता है विकास को, दो कारक, एक तो होता है अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारक होता है आपका जो माता पिता से जाता है बच्चों में, एक होता है वातावरणीय कारक। ठीक है, चलो ये हो गया, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वातावरणीय कारक। देखो वंशाणु विषाणु है, मतलब जो अणु वगैरह होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र वगैरह, तो ये भी हो गया आपका, अनुवांशिकता हो गया, परिपक्वता हो गया, ये कौन से हैं, ये अनुवांशिक कारक हैं, कौन से हैं, अनुवांशिक कारक होते हैं विकास के। और ये जबकि विद्यालय कौन सा है, ये वातावरणीय कारक है, वातावरणीय। ठीक है, इतना आ गया, क्योंकि बच्चा विद्यालय जाएगा तो वहां दोस्त वगैरह मिलेंगे, उनसे कुछ सीखेगा तो वहां पर भी विकास होगा, तो विद्यालय क्या होगा आपका, वातावरणीय कारक। ठीक है, इतना आ गया समझ में सभी को, शानदार तरीके से ऐसे समझते चले आप लोग। ठीक है, इसका आंसर बताएं। देखो बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है,
हमने बताया था बच्चे का जब समाजीकरण होता है, एक तो इसमें प्राथमिक घटक प्राथमिक होता है, प्राथमिक घटक आते हैं सबसे पहले, और दूसरा होता है द्वितीय घटक। ठीक है, क्या होता है दूसरा? द्वितीय घटक होता है। जितने आ गए समझ में? तो प्राथमिक में कौन आता है आपका? तो याद रखना इसमें आपका परिवार आएगा, ठीक है, उसके बाद मित्र वगैरह आ जाएंगे, आपके आपके संबंधी जो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे? मित्र वगैरह, दोस्त। तो जी आपका ये होगा, आपका कौन सा होगा? आस पड़ोस वगैरह, ये सभी इसी में आ जाएगा। और ये क्या होता है आपका? इसमें विद्यालय आ जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, और सामाजिक संस्थाएं वगैरह होती हैं, और मीडिया वगैरह होता है। ठीक है, तो मीडिया संचार वगैरह ये सभी आ जाएंगे आपके द्वितीय घटक में। तो उसने बोला है क्या, प्राथमिक और प्रधान घटक कौन सा है, कोई बताएगा? तो बिल्कुल शानदार, तो ये आपका परिवार होगा। ये क्या होगा आपका? परिवार होगा। ये प्राथमिक, ये कौन है? ये सभी क्या है? द्वितीय घटक। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। ठीक है, चलो पूरा डिटेल के साथ समझेंगे, टेंशन नहीं लो। इतना आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। चलो जीन प्याजे, जीन प्याजे आप बताया था, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक, इन्हें कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास, कि बच्चे का जो विकास होता है वो कैसा होता है? अवस्था के अकॉर्डिंग। इन्होंने अवस्थाएं भी बताई थी, ठीक है, कितनी? चार अवस्थाएं बताई थी। तो उन्होंने बताया किस चरण पर अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। अनैच्छिक क्रिया मतलब कहां होती है? ऐसी क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होते हैं, जैसे छींक आ जाती है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आंसू आने लगते हैं, तो ये होती है हमारी अनैच्छिक क्रिया है जिन पर हम नियंत्रण नहीं करते हैं। तो ये कहां होती है? तो इसका आंसर होगा ए, संवेदी गमक। ये क्या होता है? 0 से 2 वर्ष, ठीक है, इस अवस्था में होती है बच्चे। और ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 11 वर्ष, ठीक है, और ये 11 से लेकर आपका 15 वर्ष तक होता है। जी हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें याद रखना आपको, यहाँ क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। क्या आता है? वस्तु स्थायित्व, मतलब वो समझने लगता है, कोई भी वस्तु फेंकने से नष्ट नहीं होती है। यहाँ क्या होता है? बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कैसा? प्रतीकात्मक खेल क्या होते हैं? जैसे केले को क्या मान लेना? मोबाइल मान लेना, इस टाइप से। यहाँ पर क्या होता है? मूर्त में आपको याद रखना, मूर्त में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? क्रम का निर्धारण करने लगता है, समय और दिनांक ये सभी इनका निर्धारण करने लगता है। इसमें क्या होगा? जटिल समस्या सॉल्व करने लगता है, जटिल समस्याओं का और परिकल्पना करता है, सोचता है, ठीक है, और अमूर्त चिंतन करता है। कैसा करता है? अमूर्त करता है, मतलब अमूर्त क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे हम अमेरिका के बारे में सोचें कि वहां ऐसा ऐसा होगा, और मूर्त चिंतन कहां होता है? यहां पर, कि बच्चा किसी को देखकर, जैसे हमने बस देखी तो हमने बोला यार ये चलती कैसे होगी, ठीक है, जैसे बच्चे सूरज देखते तो बोलते ना ये सूरज क्यों चमकता है, इस टाइप से वो मूर्त चिंतन होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में सभी को? बिल्कुल शानदार, ऐसे आंसर देते रहे और आप लोग साथ में क्या देते रहे आंसर। चलो इसके बाद क्या है, देखो जीन प्याजे के नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मुंह ज्यादा स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ऐसी क्रिया जो हमारे मानसिक क्रिया होती है, मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, मानसिक या मस्तिष्क से जो भी क्रिया जुड़ी रहती है उनको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? नई जानकारी ऐड करना, इसको बोलते हैं समायोजन। याद रखना क्या होगा? समायोजन। जब क्या है? कोई नई जानकारी ऐड करते हैं, जैसे हमने बच्चे ने पढ़ा था बैलों के बारे में, बैल के बारे में पढ़ा था कि बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन उसने ये नहीं पता था कि एक पूंछ भी होती है। बाद में उसने क्या किया? एक पूंछ भी जोड़ ली, उसमें नया ज्ञान उसमें ऐड कर लिया। तो इसको बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? समायोजन। इतना समझ गए आप लोग? बताएं समझ में आ गया इतना? बिल्कुल आ गया होगा। क्या होता है आपका? समायोजन होता है। बिल्कुल शानदार। ठीक है, ऐसे ही आंसर देते रहे शानदार तरीके से। ठीक है, चलो ये बताओ समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, कोई बताएगा? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत ये किसने दिया था? कोई बताएगा इसका आंसर? इसको बोलते हैं, देखो ZPD। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ZPD। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? तो आपने पता होगा ये किसने दिया था? ZPD। इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो कमेंट में बताओ किसने दी थी। तो ये दिया था अपना का लेब बायगोस्की। क्या? लेब बायगोस्की, जिन्होंने क्या दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत।
ठीक है, जी दिया था आपका, जी लेब बायकोस्की है, ठीक है, इनके नाम याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, किससे प्रतिपादित किया था, इन्होंने पार दिया था, पार हो गया आपका, मचान हो गया, ठीक है, ढांचा, ये भी इन्होंने बताया था, इसे बोलते हैं स्क्रेप होल्डिंग, SCRAPHOLDING, स्क्रेप होल्डिंग, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, ये है आपके लेब बायकोस्की, ठीक है। और गार्डनर पता है बुद्धि का बहुकारक, बहुकारक सिद्धांत दिया था, बहुकारक, भैया आठ प्रकार की बुद्धि बताई थी भाई साहब ने, इसके ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, पुनर्बलन का, या आर टाइप थ्योरी दी थी, और चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में, तो जिस समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, लेब बायकोस्की ने विकास को के रूप में परिकल्पित किया था, किस रूप में इन्होंने, स्क्रीमा के रूप में, तो स्क्रीमा ये तो किसने किया था, ये तो है आपके जीन पियाजे जी, जीन पियाजे, ठीक है, तो ये नहीं होगा आंसर। अनैच्छिक क्रिया स्क्रीमा तो इसमें भी नहीं आएगा, व्यक्तिगत क्रियाओं से बाहर प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्या होगा, सामाजिक स्तर पर सहभागिता क्रिया अनुगृहित प्रक्रिया, बताया था ना सामाजिक स्तर पर बच्चे का विकास कैसे सहभागी क्रिया करता है, आपस में कोरिलेट करता है, आपसी संबंध, आपस में सहयोग करके सीखता है, तो इनका क्या होगा, बी होगा आंसर, क्या होगा, बी। इतना गया समझ में, बिल्कुल तुम लोग समझ गए होगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलो इसके बाद बताएं, लॉरेंस कोहलबर्ग, तो इनका नाम सुना होगा, ये अमेरिका के थे, कहां के थे, अमेरिका, ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कोई बताएगा, बिल्कुल नैतिक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल शानदार, लाजवाब, ऐसी आंसर देते रहे, ठीक है। बायसो में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था, कितने चरण बताए थे, तो याद रखना इनके तीन तो थे चरण, लेकिन तीन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाओगे, छह थे इनके उपचरण, अब यहां समझना, उपचरण थे तो तीन तो है नहीं, तो छह लगाओगे, कौन कौन से थे, तो देखो ध्यान से, पहला था आपका परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत, सॉरी पूर्व परंपरागत, ठीक है, जी था चार से दस वर्ष, कितना था, चार से दस वर्ष, इसमें दो थे, एक तो था, कोई बताएगा इसमें, कोई बताएगा, दंड, दंड व आज्ञा का पालन करता है बच्चा यहाँ पर, ठीक है, बचने के लिए। दूसरा है आपका कौन सा है, दूसरा यांत्रिक अभिविन्यास, जैसे को तैसा, ठीक है, ये इसमें आता है अभिविन्यास। चलो ये हो गया, दूसरा था आपका कौन सा, परंपरागत स्तर, दूसरा था परंपरागत, ठीक है, इसमें कितना था, 10 से 13 वर्ष, इसमें भी दो आते हैं, इसमें अच्छा अच्छी, यहाँ बच्चा अच्छा अच्छी, अच्छा व अच्छी बनने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है इसके बाद है कानून व्यवस्था बनाए रखता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है, तो ये हो गया इसमें। और तीसरा आपका कौन सा था, कोई बताएगा, तीसरा था उत्तर परंपरागत, क्या था, उत्तर परंपरागत, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें भी दो थे, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप, ठीक है। और दूसरा है क्या है, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता मतलब कुछ ऐसे काम करता है जो अपने अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, थीके? तो जे होते हैं आपके, तीन उपचरण होते हैं, छह उपचरण होते हैं, तो इसमें तीन नहीं है, तो क्या लगाओगे, छह आंसर होगा इसका, क्या होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। चलो इतना आ गया समझ में सभी को, ठीक है, बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ, संरचनावादी उपागम के अनुसार में से किस घटक को विद्यार्थियों में, देखो संरचनावादी उपागम क्या होता है, जहां बच्चा स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, ठीक है, यहां पर क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह करता है, ठीक है, तो इसमें बताओ, नहीं बढ़ावा देना चाहिए, कोई बताएगा, समस्या समाधान पर बढ़ावा देना चाहिए, निर्देशित खोजों पर भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चा समस्या सहयोगी अनुमान मतलब दूसरों की आपस में सहयोग करके उसका कैलकुलेशन कर सकते, लेकिन कंठस्थ स्मरण एक गलत होगा, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मतलब रटने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये संरचनावादी उपागम का उदाहरण वगैरह नहीं है, ठीक है। तो जी आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिल्कुल शानदार, डी होगा। चलो इसका आंसर बताओ, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मतलब होता है हमारा आईक्यू लेवल, ठीक है। तो आईक्यू लेवल परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कोई बताएगा, ये बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, ये गलत होगा,
ये आंसर होगा इसका क्या होगा, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की बुद्धि है। बिल्कुल, इससे हम क्या बोलते हैं अलग अलग बुद्धि प्रकार की, हमने बताया था प्रतिभाशाली हो गया, मूढ़ हो गया, जड़ बुद्धि वाले बालक हो गया, इस टाइप से मापा जाता है उनको मस्तिष्क को देखकर। ठीक है, तो निश्चित प्रकार की बुद्धि है तो जी होगा। संस्कृत पूर्वग्रहों से मुक्त होती है, ये गलत होगा। अत्यधिक विश्वसनीय है, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ जगह इसका डाउट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विश्वसनीय हो, क्योंकि ये दिमाग से संबंधित है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर बताओ। देखो, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के संबंध में अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, मतलब अलग जिन प्याजों का अलग मानना है कि जो संज्ञान मतलब विचार जो संज्ञान होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, और ये आपके लेब बायगोस की है, इन्होंने अलग बताया था। तो बताओ, जिन प्याजे मानना है कि संज्ञान भाषा से प्रभावित होता है, कोई बताएगा, संज्ञान संज्ञान से भाषा प्रभावित होती है और भाषा से विचार, बिल्कुल शानदार। तो क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा, हाँ इन्होंने बोला था संज्ञान से क्या होती है, संज्ञान से भाषा प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है, इन्होंने ये बोला था। जैसे हमारा मस्तिष्क है, अगर हम सही से क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब अगर विकास नहीं हो पा रहा तो हम सही से भाषा भी नहीं बोल पाएंगे, ऐसा है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, जो भाषा है, भाषा से क्या प्रभावित होता है, आपका संज्ञान या विचार प्रभावित होता है, विचार। ये किसने बोला था, ये बोला था अपने बायगोस्की ने, या अगर आपकी भाषा सही नहीं है तो आप सही से संज्ञान नहीं समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, तो इस टाइप से इन्होंने का है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में, बिल्कुल इतना हो गया, तो जे वाले नहीं होंगे। चलो इसका आंसर बताओ। देखो, पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किस, मतलब पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की कम है और पुरुषों के बारे में ज्यादा बताया गया, तो बताओ किसका उदाहरण है, कोई बताएगा। बिल्कुल भाई साहब, कितने बार आ चुका है, समानता, निष्पक्षता, जेंडर समता, ये जेंडर पूर्व, जेंडर क्या पूर्वाग्रह है, समानता निष्पक्षता नहीं है, ये क्या है पूर्वाग्रह है, ये जेंडर, जेंडर क्या बोलते हैं इसको, जेंडर रूढ़िवादता या पूर्वग्रह, रूढ़ी वादता है, पूर्वाग्रह है। ठीक है, कि बन गया है कि पुरुषों क्या है, पुरुष अधिक काम करते हैं, महिलाएं कम काम करती हैं, पुरुष नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, महिलाएं गुलाबी, तो ये क्या है पूर्वाग्रह है। ठीक है, आ रहा समझ में, चलो इसका आंसर बताओ। देखो, एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा, अगर आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, या पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा तो करना नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। केवल और केवल अच्छा निष्पादन, तो केवल हमेशा सिर्फ वगैरह हो गया, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए, केवल निष्पादन करने वाले, ये गलत होगा। विद्यार्थियों के सीखने की व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी, ये भी करना है, क्या होगा इसका आंसर, सही इसका आंसर होगा ए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस गति से सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं पूरा सिलेबस खत्म हो गया और बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए बार बार। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। इसका आंसर बताओ। आंकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है, मतलब सीखने के उद्देश्य से, तो आंकलन का मतलब होता है एनालिसिस करना कि बच्चे सीख रहे, सीखने के उद्देश्य मतलब कितना बच्चों ने सीखा, उसके आंकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। सूत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन, ऐसा नहीं है अंत में निकालना है, ये गलत होगा। केवल मानकीकृत परीक्षणों पर, केवल मानकीकृत मतलब होता है जो स्टैंडर्ड है, जो लिख दिए गए हैं, तो उसके आधार पर प्रयोग करना, यह भी गलत होगा। सभी के लिए आदिवासिक परीक्षा का ये होगा आपका क्या होगा, चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर क्या करना, आकलन करना कि टेस्ट वगैरह हो रहा है या उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो उसके आधार पर क्या करना, उसकी उनकी अधिक से अधिक क्या करना, आपको भागीदारी करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, जहां क्या होता है, जहां क्या होता है, बच्चा स्वयं से करके सीखता है, स्वयं चिंतन करता है, स्वयं प्रयोग करता है। ठीक है, प्रयोग करेगा तो वो होता है समालोचनात्मक चिंतन, इसमें अलग अलग टाइप से सोचता है। तो बताओ, पढ़ने की संभावना है, किसमें है, अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना से, ये गलत होगा। अनुरूपक मतलब ये सूत्र वगैरह, ये गलत होगा। खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, रटकर नहीं है, बाधक पढ़ने की संभावना है, सॉरी क्या है, बाधा पड़ने की संभावना बोल रहा, वो क्या बोल रहा, संभावना, मतलब एक होगा इसमें। देखो, बढ़ावा देने से ये तो सही होगा,
खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, जैसे आप सारी है या विशेषता वगैरह पूछ ली तो उससे भी होगा, घन चिंतन से भी होगा, लेकिन इससे क्या होगा, बाधा उत्पन्न करेगा। रट के याद करवाओगे तो बच्चा रटेगा और चीजों को समझेगा नहीं, और एक समय बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, और ये आपका टेस्ट वगैरह फिर से आपको एक बार बता दिया जाए, ये 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं मात्र 99 रुपए में, याद रखना। ठीक है, ये अभी तक है, ऑफर है 10 तारीख तक, इसके बाद सबकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो फिर नहीं बोलना कि सब इतना क्यों बढ़ गया है। ठीक है, तो इतना आगे समझ में सभी को, बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन, निम्न मतलब समझते ना, निम्न मतलब पिछड़े हुए, ऐसे बालक जो क्या है पिछड़े रूप में है, सामाजिक रूप से है और आर्थिक रूप से है, ना तो सामाजिक रूप से सही उनका विकास नहीं हो रहा, ना तो भाषा सही है, ना उनका रहन सहन है, और ना उनको पास पैसा है खाने के लिए, तो ऐसे विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए ठीक है कौन सी नीति है, कोई बताएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्चा, ये गलत होगा, तुमने स्टैंडर्ड बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ये तो गलत होगा। परिवेश की अनदेखी करना भी गलत हो जाएगा, ये तो नेगेटिव। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समृद्ध करके, बिल्कुल शानदार, ये होगा आपका, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, पारस्परिक मतलब आपस में सभी बच्चों को आपस में बिठाना है, उनकी संस्कृति को क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना है, तो ये होगा। केवल पितृत्ववादी, ये केवल वाला भी गलत होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, चलो इतना आगे समझ में, बिल्कुल शानदार, ऐसी समझते चलना आप लोग आराम से, टेंशन नहीं लो, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां समझना ध्यान से, देखो गलत शब्द जोड़ना क्या है, तुम गलत शब्द जोड़ रहे, शब्दों को अनियमित रूप से लिख रहे या बदल रहे या छोड़ दे रहे या सही से बोल नहीं रहे, तो बता इधर उधर लिख रहे सभी प्रकार के किसके अंतर्गत आता है, ये सभी होते हैं आपकी क्या होती है, अधिगम अक्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिगम अक्षमता, मतलब सीखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, कोई बताएगा डिसलेक्सिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पठन के बोध में, पठन लेखन बोध में प्रॉब्लम आती है। क्या है, लेखन बोध मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है उसको पढ़ने में। इसके बाद होता है डिसग्राफिया, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लिखने में प्रॉब्लम आती है। क्या होती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके बाद है आपका डिसकैल्कुलिया, इसमें क्या होता है, कोई बताएगा, बिल्कुल गणित संबंधी, गणित के संबंध में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है जोड़ घटाना करने में। ठीक है, इसके बाद होता है डिस्थीमिया, इसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, तनाव, तो ये सभी होते हैं अधिगम अक्षमता, इधर उधर लिखना। स्वरहीनता क्या होता है, इसमें क्या होता है, संप्रेषण में प्रॉब्लम आती है, संप्रेषण मतलब चीजों को समझने में, ये हमारा मस्तिष्क संबंधी विकार है जो 3 वर्ष तक की अवस्था वाला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देने में प्रॉब्लम आती है, सही से ध्यान नहीं दे पाते हम, चीजें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती हैं, और श्रवण बाधिता क्या होती है, इसमें सही से सुन नहीं पाते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सभी होता है अधिगम अक्षमता। ठीक है, इतना आगे समझ में सभी को, बिल्कुल। चलो इसका आंसर बताओ, देखो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, दृष्टिबाधित क्या होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, समावेशन को सफल बनाने के लिए कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है, कोई बताएगा कौन सा कारक बाधक बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनको दिखने में प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियां या रिकॉर्ड करने के लिए सभ्य व्याख्यान, चित्तात्मक सामग्रियों को स्पर्श मॉडल करना, लिखित विवरण, ये होगा आपका गलत, क्योंकि देखो लिखित अगर लिखोगे तुम और लिख के तुमने आरेख बना दिए तो उसको तो वैसे दिखने नहीं है, तो ये क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, जबकि ए डी करेंगे, क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, चलो शानदार। इसका सोलिनता मतलब क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जो स्वयं में लीन हो, स्वयं में लीन रहते हैं। ठीक है, ऑटिज बोलते, क्या बोलते इसको, ऑटिज, ये मस्तिष्क संबंधी विकार है। क्या है, मस्तिष्क संबंधी विकार है, मस्तिष्क संबंधी विकार। ठीक है, ये 3 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, संप्रेषण करने में मतलब एक दूसरे के विचारों को समझने में प्रॉब्लम आती है। किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक ऐसा विशेष रूप से एक अच्छा व्यवहार पाया जाता है, तो याद रखना ये होता है आपका पुनरावृत्ति आचरण, ये बार बार रिपीट करते हैं चीजों को, बार बार बोलते हैं, जैसे बोलते बोलते बच्चे बोलते ना मम्मी 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 पापा पापा पापा, तो इस फाइल से पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा। चलो ये बताओ इसका आंसर, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बताया था, जिनका आईक्यू लेवल क्या हो, 140 प्लस हो, ये अलग अलग टाइप से, बहुत सारी टाइप से अलग अलग इनका होता है, समालोचना चिंतन करते हैं, रचनात्मक करते हैं।
तो बताओ कौन सा सही है। अत्यधिक प्रयास द्वारा सीखते हैं गलत होगा, अत्यधिक नहीं कम प्रयास द्वारा सीखते हैं, समझने में अधिक समय नहीं लेते हैं क्योंकि तो वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं, कम समय लेते हैं, इनमें औसत क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है, इनमें औसत जो क्षमता होती है उससे अधिक काम करते हैं, जैसे 2 का बच्चा 8 की गणित लगाने लगे या 8 का बच्चा 12 की गणित लगाने लगे तो भी होते प्रतिभाशाली, जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, ठीक है, उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की कमी होती है, गलत होता है, कमी नहीं होती, इनमें बढ़ोतरी होती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, तीसरा होगा, ठीक है, इतना आगे समझ, बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट बताओ इसका आंसर, अभिकथन ए, और इसका क्या तर्क दिया अभिकथन ए क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए, गलत होगा, व्याख्यान मतलब क्या होगा, तुमने गए और तुमने भाषण बाज दिए कि देखो बच्चों ऐसा ऐसा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल पूरी, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय आवरण के माध्यम से की जाती है, तो ये भी गलत होगा, निष्क्रिय नहीं होता सक्रिय होता है, तो क्या होगा, ए और आर दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल। सभी को स्कोर बताना है कमेंट में कैसी लगी क्लास भी बताना, कल के लिए माफी चाहते हैं तो कल आपको जल्दी जल्दी समझा दिया गया था, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, आप लोगों ने कमेंट किए थे ऐसे ही, आप लोग कमेंट में बता दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उनमें हम क्या करेंगे, अपने आप सुधार करेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता हम कैसा पढ़ाते हैं, आप लोग बताओगे, आप लोग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कैसा पढ़ाते हैं, या कहीं पर कमी है तो वो भी बता दिया करो कि सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप मतलब जल्दी पढ़ा रहे हैं या जी आप ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक है, इतना आ गया समझ में, तो ए और आर दोनों क्या है, गलत है, चलो इतना आ गया समझ में। चलो इसका आंसर बताओ, देखो वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क है, इसलिए विद्यालयों को अधिगम पर जोर देना, तो हमारा मस्तिष्क क्या होता है, बाहरी दुनिया को सक्षम होता है, हमारा मस्तिष्क क्या अपने आप में सक्षम है चीजों को समझने में, इसलिए हमारे विद्यालयों को क्या करना चाहिए, रचनात्मक अधिगम कर क्या करना चाहिए, विकास देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये अपसारी भी चिंतन होता है, अपसारी, इसमें हम अलग अलग तरीके से अपसारी चिंतन होता है, इससे हम क्या होते हैं चीजों को अलग अलग तरीके से अलग नजरिए से देखते हैं, स्पेशल तरीके से, ठीक है, और किसी भी समस्या को बहुत सारे तरीके से सॉल्व भी करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, सक्षम है, कैसे हुए, सक्षम है, और रचनात्मक अधिगम पर विद्यालयों को क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, रचनावाद किसका समर्थन करता है, कोई बताएगा, रचनावाद मतलब एक नई तरीके से नवीन तरीके से सीखना है, ठीक है, तो ये लिखा होगा विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन से नए ज्ञान की अस्वीकृति गलत हो जाएगा, अर्जित ज्ञान का पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का रटकर याद करना भी गलत होगा, इसका आंसर होगा ए, विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो आंसर बताते चलना आप लोग साथ में, कक्षा में आप देखना ध्यान से, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करना, विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है, तो ये क्या होता है, जब कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करते हैं तो ये विविध साधन के रूप में किस रूप में जाना जाता है, प्रतिस्पर्धा के रूप में, ये गलत होगा, भेदभाव नहीं होगा, अबोधगम नहीं होगा, क्या होगा, संलग्नता, शामिल करने से, संलग्नता मतलब आपस में कोरिलेट करने से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम शानदार दिया है, लंका लगा दी भाई साहब, ये आंसर होगा इसकी, तुम लोगों ने लंका तो लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, लंका। चलो इसका आंसर बता, देखो क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या गलत, मतलब कोई समस्या है, इसको समस्या को तुम कई तरीके से हल कर रहे हैं, उसको सोच रहे समझ रहे, तो बताओ वो क्या होगा, मौखीकरण करना होगा, गलत होगा, अनुरूपणात्मक चिंतन नहीं हो सकता है, कार्यात्मक जड़ता स्थिरता हो ही नहीं, हो क्या होगा, विश्लेषण, विश्लेषण साधन अंत विश्लेषण होता है, हम कोई भी चीज का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, किसमें क्या अच्छाई है क्या इसमें खराब है, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, क्या होगा, सी होगा, इसका आंसर बताओ। फिर से आ गया अभिकथन और तर्क आ गया, क्या है, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज मतलब जो खुद से होते हैं सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए, उसी के आधार पर पाठ आगे, बिल्कुल अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली विद्यार्थियों के साथ सहज मतलब जो उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, उनका क्या किस विषय में इंटरेस्ट है, कैसे पढ़ना है, तो उनको जानना चाहिए और उसी के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट को जानना चाहिए तभी तो पढ़ाएगा टीचर। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा होती है जो आगे अधिगम में बहुत मायने रखती, बिल्कुल शानदार, अगर टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा क्या सोचता है कैसे सीखता है तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से पढ़ाएगा,
और वो उसी तरीके से, तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या है, सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप लोग बताना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्या बताना आपको क्लास कैसी लगी है, चलो इसके बाद बता, कमेंट में बताना है। ठीक है, कल के लिए तो सॉरी बोल ही दिया है, चलो कोई बात नहीं, अब एक आध बार हो जाता है ऐसा। विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर ना दे। ठीक है, बिल्कुल शानदार। देखो विद्यालयों को ऐसी शिक्षण सामग्री जो क्या है, जो पुनरुत्पादन पर जोर ना दे, रटने पर जोर नहीं दे कि बार बार तुम रट रहे। ठीक है, तो ये सही है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक होते ही गलत होगा, क्योंकि संवेग और संज्ञान, संवेग मतलब क्या होते हैं, जो तुम्हारे अंदर जो वेग बहते हैं, जैसे क्रोध आ जाता है तुम्हें, गुस्सा आ जाता है, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, संज्ञान भी प्रभावित होगा, तुम्हारा ज्ञान भी प्रभावित होगा, वैसे तुम व्यवहार करोगे, तो विपृतक नहीं होते, एक दूसरे से मिले होते, अंतः संलग्न होते हैं। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्या है, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, सी होगा। समझ में आ गया क्या, क्योंकि देखो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक नहीं होते, ये आपस में रिलेट होते हैं, लेकिन ये तो सही है। ठीक है, चलो अब हमने बताया था अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की बताई थी, एक तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, क्या होती है, एक तो आंतरिक होती है और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है कोई बताएगा, आंतरिक मतलब क्या होती है, जब हम खुद से क्या होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमें सीटेट पास करनी है या हमें अच्छा पद चाहिए, तो हम खुद से मोटिवेट होंगे, तो वो होती है आंतरिक। बाह्य क्या होता है, किसी ने तुम्हें पुरस्कार दे दिया या दंड दे दिया या उसके डर से तुम काम कर रहे हैं या दोस्तों को खुश करने से या दोस्तानी को खुश करने से। ठीक है, तो वहां कौन होगा आपका, बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसमें बताओ नगद पुरस्कार क्या होगा, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, अपने साथियों की प्रशंसा के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा होगा। ठीक है, जिज्ञासा बस प्रथम स्थान आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी बाह्य होगा, लेकिन 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 ये क्या होगा, आंतरिक। जिज्ञासा बस तुम्हारे अंदर जुनून है, तो तुमने किसी विषय पर क्या कर दिया, शोध कर दिया, तो ये कैसी अभिप्रेरणा होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सभी लोग बताएं, यहां तक क्लियर है चीजें, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, शानदार तरीके से करेंगे अपन, टेंशन नहीं लो। चलो इतना हो गया, इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बताओ कौन कौन से कारक हैं जो सीखने में अधिगम में, कक्षा का परिवेश, बिल्कुल, अगर अच्छा कक्षा का परिवेश होगा तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, संसाधन की उपलब्धता होगी, जैसे चार्ट वगैरह हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह हो गया और बोर्ड वगैरह हो गया, तो उससे ज्यादा अधिगम होगा, शिक्षक की शिक्षणीय विधियां वगैरह होगी, बिल्कुल, क्योंकि अगर शिक्षक किस विधि से पढ़ा रहा है वो भी मायने करता है, और विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर, मतलब विद्यार्थी जो पढ़ा रहा है उसके लिए क्या है, इंटरेस्टेड है या क्या है, वो मतलब उसके लिए क्या है, वो तैयार है कि नहीं, तो क्या करेंगे, एक दो तीन चार, तीन क्या होंगे, इसका आंसर होगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही है भाई साहब, कमेंट करोगे क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, आप क्लास के बाद जो कमेंट करते हैं ना वो पढ़ा जाता है आपका। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अनुकूल शिक्षण मतलब एक अच्छा जहां पर बच्चा अधिक से अधिक सीखे, तो बताओ किसकी आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक जोखिम की, तो एक गलत होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने की भी गलत होगा, गैर लचीला भी गलत होगा, ये होगा, क्या होना चाहिए, व्यवधान, मतलब वहां पर जो व्यवधान है वो कैसा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अब आप लोग बताएं आपको सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना है, आपको बताना है कैसी लगी आज, आपको बताना है आज का, ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ाया आपको और चीजें समझ में आई कि नहीं सारी चीजें। ठीक है, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।